कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा तिसंगोस्तविकर्मणि। किस्मत कहो चाहे कहो तकदीर, पहले बना प्रारब्ध है पाछे बना साहब, मेरे ख्याल में बोझ कुछ ज्यादा ही था। थैंक यू। नजर से देखना, उसका शील भंग करना है। मुल्जिम को दफा 376 के मातहत 3 साल की कैद बामशक्कत होनी चाहिए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अदालत उठ गई क्या? जी हाँ, अब आप भी उठ जाइए।
बड़ी गहरी नींद आ रही थी यार। लाइब्रेरी में किताब सामने आते ही झोंक आती है। ट्राई करके देखो, बड़ा मजा आता है। अभी आप सोएंगे या चलेंगे? ओ सॉरी, चलेंगे, चले चलो। चलिए। देख पा रही है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट की आवाज पर बहादुर सिपाहियों के कदम उठते हैं, तुम जैसे नाम मर्दों के नहीं। आपको कैसे मालूम कि हम नाम मर्द हैं मेन साहब? ए मिस्टर, पढ़ाई के साथ साथ गुंडा होना जरूरी है। आपकी तारीफ बताता हूँ। आप ही तारीफ बताता। अबे फिर गुंडागर्दी की ना, दफा 100 के माता जेल करवा दूंगा चारों को। अबे फूटा साले। धन्यवाद। बड़ी रूखी लड़की है, सूखा सा धन्यवाद देकर चली गई। वाह वाह। अरे ओ भाई साहब, गई? हाँ गई 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 है। चले लॉ कॉलेज के बाहर क्या कर रही हो? बस यूं ही। कहीं उस लाइब्रेरी वाले लड़के का इंतजार तो नहीं? आप यहाँ? क्या किसी का इंतजार कर रहा था? पूछ सकती हूँ किसका? क्यों बताऊं? बताओ ना। अगर मैं कह दूं कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था तो मैं मान जाऊंगी। मान जाओगी? हाँ। तो फिर एक बात और मान जाइए। क्या? आप बहुत खूबसूरत हैं। Ah!
तुझे तूने देखा मुझे मोटर चलाने के जुर्म में दफा सो एंड सो के माता जेल करा दूंगा। अबे कौन है तू? सॉरी सॉरी मिस्टर। अरे सॉरी तुम्हारी शक्ल देखकर निकाल दूंगा। सॉरी ना पुत्र, आपको पहले मार दियो। अच्छा तो आप हैं? आप हैं मोटरसाइकिल वाले? वेरी सॉरी, मैं तो तहश खा गया था। तेरी किस्मत अच्छी है वरना एक झापड़ देने वाला था सच्ची। चोट तो नहीं आई? अरे क्या चोट तो नहीं आई। लेफ्ट राइट जी भी साथ में है भाई साहब। घूसा तो मैंने भी मारा था, पटाकर आप ले गए। बड़े चक्करबाज हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन है जो तुम्हारे चक्कर में आ गई है? आप है कम्मो, किसी बात में कम नहीं। और कम्मो जी आप है अरविंद, मेरे क्लास फेलो, LLB की परीक्षा में भी साथ और प्रेम की परीक्षा में भी साथ। आशा जी मिस्टर जानती हूँ, दफा सो एंड सो। लेफ्ट राइट जी, मोहब्बत पर कोई दफा नहीं। अंदर नहीं आओगे? जरूर आऊंगा, लेकिन कायदे से। पहले मेरी माताजी आएंगी, फिर पिताजी आएंगे, फिर ये बंदा सहरा बांधे हाथ में तलवार पकड़े घोड़े पर सवार आएगा और अपनी सीता को उठाकर ले जाएगा। समझी? समझी। अच्छा कल का प्रोग्राम? कल 4 बजे बाग में। 4 बजे वहीं बाग में? तो कल 4 बजे तक एक बार प्यार कर ले। नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। बाय बाय स्वीटी पाय, सी यू। पिताजी आपने दवा खाई? बेटे समय ही नहीं मिला। आप हमेशा भूल जाते हैं, मैं अभी लाती हूँ। अच्छा। सेठ जी यहाँ विराजिए। सेठ जी आपके यहाँ 7 कन्याओं ने जन्म लिया है? भगवान की कृपा से 7ों जिंदा हैं। 7ों ही जिंदा होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। सेठ जी अब आपके यहाँ पुत्र का योग है। शुक्र है भगवान का। 7 कन्याओं के बाद होने वाला पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है। आपकी भविष्यवाणी सच्ची हो महाराज? अवश्य हो। पुत्र होने पर हमें खबर दीजिएगा, फौरन दर्शन करने आऊंगा। ये लीजिए। आज्ञा दीजिए। सुखी रही। लीजिए। कहिए महोदय। जी मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। आपने पहले भविष्यवाणी की थी कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा, वो तो होकर रहा। अब इतना और बता दीजिए कि वर्षा होगी या नहीं? सारे देश में सूखा पड़ रहा है, हाहाकार मच रहा है। आज सुबह एक सज्जन ने ठीक यही प्रश्न पूछा था। कल शाम 5 बजे वर्षा का योग है, अवश्य होगी वर्षा। कल सुबह के अखबार की यही हेडलाइन होगी महाराज। अब चलू, नमस्कार। नमस्कार। पिताजी मेरा भी एक प्रश्न है। पूछो बेटी। एक लड़का है, LLB का इम्तिहान दिया उसने। हाँ। पास हो जाएगा। क्या नाम है बेटी उसका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। 556। 556। 556। क्या नाम बताया बेटे? अरविंद कुमार।
अरविंद कुमार कृतिकल चट्ट प्रथम चरण लगन क्या है उसका सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बेटे ये लड़का तो बहुत लायक है। अच्छा परीक्षा में प्रथम आएगा यानी कि फर्स्ट अवश्य। सुनो कल तुमने फोन किया था? हाँ तुम्हारे पिताजी ने फोन उठाया था, मैं तो डर गई और मैंने फोन रख दिया। क्यों कुछ खास काम था? कल जब मैं घर पहुंची तो पिताजी ने तीन भविष्यवाणी की। तीन भविष्यवाणियां की? कौन कौन सी? पहली लड़का होगा। लड़का कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, पिताजी का वचन हमेशा सच होता है। मैं कहता हूँ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? शादी से पहले लड़का हो सकता है? अरे बुद्धू हमारे लिए नहीं कहा था, सेठ जी के यहाँ लड़का होगा। सेठ जी को लड़का कैसे हो सकता? अरे सेठ जी के घर लड़का होगा। सेठ जी के यहाँ लड़का हो या लड़की हमें इससे क्या? अच्छा अगर होगा तो हम मान लेंगे। दूसरी तुम इम्तिहान में फर्स्ट आओगे। लो ये तो मुझे पहले ही मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि पर्चे अच्छे हुए हैं इसलिए पता है, फर्स्ट तो आऊंगा ही। और तीसरी? आज 5 बजे वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा। कितने बजे? 5। 5 बजे नहीं। क्यों? इम्पॉसिबल। क्यों? देखो आसमान कितना साफ है, 5 बजे वर्षा नामुमकिन है। देखो भाई साफ बात तो ये है, मैं ज्योतिष में बिल्कुल नहीं मानता। हाँ अगर 5 बजे बारिश होगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का गुलाम बन जाऊंगा और ज्योतिष में मानने लगूंगा। खैर छोड़ो ये बारिश की बात, चलो किसी रोमांटिक जगह चलें। जब बारिश होगी तो अपने आप रोमांटिक हो जाएगी। सच? हाँ। प्रॉमिस? हाँ। चलो आज तो तुम्हारे पिताजी की भविष्यवाणी बिल्कुल गलत होने वाली है। हो ही नहीं सकता, देखते जाओ। वो देखो बादल। टाइम क्या हुआ? 5। आई बारिश। अरे आज तो मान गए तुम्हारे पिताजी को, वाकई बड़े महान जोशी हैं। वो तो है ही। अच्छा सुन, अब तो बारिश भी हो रही है। अरे गोल्ड मेडल फॉर मिस्टर अरविंद कुमार, फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन LLB एग्जामिनेशन। देखा पिताजी की भविष्यवाणी सच हो गई? हाँ वो तो हुई। कांग्रेस माय बॉय, आई हैव डन इट। माँ ये आओ बेटी आओ। माँ मुझे तुम पे नाज है बेटा, तुमने हमारे नाम को रोशन कर दिया। शास्त्री जी कैसे हैं? ठीक। पापा मैंने माँ से कुछ इशारा किया था और उन्होंने हमें इशारा कर दिया। हम तुम्हारी पसंद के दाद देते हैं, लड़के हमें पसंद है। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। शादी के बाद तुम लंदन जाओगे, वहां से बैरिस्टर बन के आओगे और हमारी ख्वाहिश है कि तुम हमारी तरह जज बनो। ऑफ कोर्स पापा। क्यों आशा बेटी, शादी के बाद तुम भी इसके साथ चले जाना। अरे तुम सब लोग शादी की बात कर रहे हो, पहले शास्त्री जी से तो पूछ लो वो भी राजी है कि नहीं। वो क्यों नहीं राजी होंगे माँ? हाँ वो क्यों नहीं राजी होंगे। सावित्री कल शास्त्री जी के हम दोनों चलेंगे। हाँ जज साहब आपने तो उल्टी गंगा बहा दी, लड़की वाले जाते हैं लड़के वालों के घर। शास्त्री जी हम तो अपना बेटा देने आए हैं आपको। क्यों लड़की भी तो लेने आए हैं। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो आपको भी बहुत बहुत। आज मैं अपने को धन्य मान रहा हूँ, अरविंद जैसा होनहार लड़का मेरा जवाई बनेगा और जज मेरा समधी। हम भी बड़े खुशकिस्मत है कि आप जैसे विद्वान की लड़की हमारे घर आ रही है।
मैंने तो जैसे ही आशा को देखा अपनी बहू मान लिया था। आशा और अरविंद की जोड़ी बहुत ही सुंदर रहेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा? चाहती हूँ दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाए, वक्त ठहर जाए। वक्त कभी नहीं ठहरता। लेकिन धीरे धीरे तो चल सकता है। सच? पर्वत हिल सकते हैं अपनी प्रीत अटल,
देखो अपनी प्रीत अटल, पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाए निकल, हमको आगे जाए निकल, पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे चलता हूँ। और हाँ, पिताजी से कहो शादी की तारीख जल्दी से जल्दी निकालें। बहुत जल्दी पड़ी है शादी की। मैं तो चाहता हूँ कल शाम को शादी हो जाए और परसों हनीमून के लिए रवाना। हनीमून पे हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ, कश्मीर जाएंगे। बड़े कंजूस हो। क्यों क्यों क्यों? कश्मीर तो हम कभी भी जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड जाएंगे। ठीक है, मगर शादी फटाफट। अब मैं जाऊं? ये शादी नहीं हो सकती। हाँ बेटी, ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ये मैं नहीं कह रहा बेटी, ग्रह कह रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, तुम दोनों की ये कुंडलियां कह रही हैं, नहीं मिलती कुंडलियां। आपने अच्छी तरह से देख लिया पिताजी? एक बार फिर से देख लीजिए। सुबह से यही देख रहा हूं बेटी, देखते देखते आंखें थक गईं, मन बुझ गया। ये विवाह शुभ नहीं है बेटी, मृत्यु योग है। ग्रह कुछ ऐसे पड़े हैं कि विवाह होते ही अरविंद की मृत्यु हो जाएगी। हम अपनी बेटी का अशुभ नहीं देख सकते। तेरे माथे का सिंदूर हमारी आंखों के सामने मिट जाए, हम ये नहीं देख सकते। ये शादी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। शादी होगी और जरूर होगी। मोहब्बत करने से पहले कुंडली मिलाई थी, जन्मपत्री देखी थी। आशा, शादी समाज के रिवाज की मोहर है, मौत नहीं। और फिर मरना मुझे है ना, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरी उम्र लग जाए तुम्हें, अगर पिताजी कहते शादी के बाद मैं मर जाऊंगी तो मैं हंसते हंसते फेरों पर बैठ जाती, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती। आशा, आज के जमाने में तुम्हारा ये विश्वास अंधविश्वास है। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम तो जानते हो पिताजी का कहना हमेशा सच होता है। जोशी भी एक इंसान होता है, भगवान नहीं। ये जरूरी नहीं कि उसकी भविष्यवाणी हमेशा सच निकले। एक मिनट के लिए मान लिया कि वो सच है, फिर भी आशा मैं तुमसे शादी करूंगा। आशा, हमारा सच्चा प्रेम किस्मत के लिखे को बदल सकता है। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। नहीं अरविंद, मैं कवारी रहकर जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन शादी करके तुम्हें नहीं खो सकती। इसका मतलब हमारी मोहब्बत, हमारे वादे, हमारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। और हो भी क्या सकता है? एक बात हो सकती है। क्या? हम शादी के बिना रहेंगे। शादी के बिना? शादी एक रस्म है, प्यार एक बंधन है, और रस्म बंधन से बड़ी नहीं हो सकती। आशा, अगर फेरे लेने से आदमी मर सकता है तो हम बिना शादी के साथ साथ रहेंगे। लेकिन समाज, समाज के कानून? समाज, कानून? मैं अपने प्यार की खातिर समाज और समाज के कानून को तोड़ दूंगा। तुम मुझे चाहती हो ना? अपने से ज्यादा। मेरे साथ रहना चाहती हो? किस्मत ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है, ना ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। तो आओ हम इस समाज, इस दुनिया से ऊपर एक नई जिंदगी बसाएं।
जहां तुम और मैं साथ साथ रहेंगे बिना शादी किए, पति पत्नी की तरह। पति पत्नी की तरह बिना विवाह किए? निर्लज, तूने हिम्मत कैसे की ये कहने की? धार्मिक विधि से विवाह होने के बाद ही एक स्त्री पत्नी कहलाती। मजाक बना के रखा हूं। और हिंदू धर्म में जब तक अग्नि और समाज को साक्षी मानकर फेरे ना लिए जाए तो विवाह विवाह नहीं होता। हर जाति, हर मुल्क, हर धर्म में शादी एक कानूनी बंधन होता, और बिना शादी के किसी के साथ रहने वाली लड़की कुलटा कहलाती है, रखेल कहलाती है। ये पाप है, जाति, समाज और धर्म के विरुद्ध। ये शादी कानून के खिलाफ है। पति पत्नी की तरह साथ साथ रहने के लिए समाज के बनाए हुए कानून की इजाजत लेनी पड़ती है। भगवान को हाजिर नाजिर मान के शादी की कसमें खानी पड़ती हैं, और तुम कहते हो बगैर शादी के साथ साथ रहोगे। औरत मर्द का ये रिश्ता नाजायज है, शर्मनाक है। समाज, धर्म, कानून कोई भी इसे नहीं मानेगा। मैं भी नहीं मानूंगा, तुम्हारी मां भी नहीं मानेगी। तुम्हारा ये कर्म ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जिस किस्म की जिंदगी तुम बिताना चाहते हो न वो इस घर में हो सकेगी न शास्त्री जी के। चली जाए यहां से, और फिर कभी मत दिखाना मुझे अपना काला मुंह। रोने क्या बात है? अरे घर छोड़ दिया, दुनिया तो नहीं छोड़ी। अब क्या होगा? होगा क्या? तू मेरे साथ है ना? ए, मैं पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं। नहीं, आप यहां कितने दिन ठहरेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर? कुछ दिन, जब तक मकान नहीं मिलता। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ये क्या चक्कर है? महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ा था और तुमने शादी का कानून तोड़ दिया। शादी की चक्की से मुक्ति का रास्ता दिखाया। और भाभी, वाह 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 वाह, तुमने भी क्या साथ निभाया अरविंद का, कुमारी भी और सुहागन भी। एक्सक्यूज मी मिस्टर अरविंद, आप शादीशुदा नहीं है? आर यू नॉट ए मैरिड कपल? अरे जनाब, ये बिना शादी के रहेंगे पति पत्नी की तरह, हाउ रोमांटिक। इस किस्म के पति पत्नी इस होटल में नहीं ठहर सकते। सच टाइप ऑफ इलीगल हस्बैंड एंड वाइफ कांट स्टे इन ए रिस्पेक्टेबल होटल लाइक दिस। मिस्टर 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 मिस्टर, हम दोनों ने वकालत की है, कोई घास नहीं खोदी। आप एक शरीफ आदमी की तोहीन कर रहे हैं। मैं दफा 100 और 100 के मातहत आपको जेल भिजवा दूंगा। मैं आप पर हतक इज्जत का दावा करूंगा। मैं आपके इस होटल को ताला लगवा दूंगा, समझे? आई डोंट केयर। आई ऑल्सो डोंट केयर। वैसे तो बहुत देखे हमने भी। चलो भाभी, आप मेरे साथ आइए। मेरे कजिन का घर खाली है विथ फर्नीचर। वो दुबई में रहता है, चाबी मेरे पास है। आप लोग वहां जरा मौज से रहिए हैं, और खूब सुहागरात मनाइए हैं। आइए चलिए। आई विल सी यू लेटर। देख लूंगा। अरे जा। ये क्या सुहागरात और दुल्हन की आंख में आंसू? बिना शादी की सुहागरात में आंसू ही तो होते हैं। कौन कहता है? हमारे दिलों ने शादी की है। ऐसी शादी जिसमें पुरोहित नहीं आया, सैलियों ने सुहाग के गीत नहीं गाए, शहनाई नहीं बजी, बारात नहीं चढ़ी। पिताजी ने अपनी लाडली बेटी को डोली में बैठाकर विदा नहीं किया। सास ससुर ने आशीर्वाद नहीं दिया, किसी ने स्वागत नहीं। अरे हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हमारी बाहें तुम्हारा स्वागत करती हैं। सुनो, हमारा प्रेम, शादी, बारात किसी भी रस्म रिवाज का मोहताज नहीं। मेरी तरफ देखो, देखो इस वक्त सब कुछ भूलकर एक हो जाए, एक दूसरे में समा जाए। अरे जमुना, उस दुबई वाले के मकान की झांकी देखी? अरे बहन पार्वती, रात भर बत्ती जलती रही। अरे कंवारे और कंवारी की सुहाग रात थी।
गौर कल जो आ गया प्रदीप जी, शादी ब्याह की तो गर्ज ही नहीं रही, कोई किसी को ले पगे, कुछ भी करे। समाज का तो डर ही नहीं रहा। अरे समाज है कहाँ, खत्म हो गया समाज तो। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, तुम्हारे पड़ोसी की तरह लोग लुगाई शादी के बिना ही मौज मजा किया करेंगे। वो आ गए। अरे लैला मजनू की जोड़ी आ रही है। अरे लैला मजनू के नाम को क्यों बदनाम कर रिया है, वो तो बड़े ही गैरतमंद लोग थे। चिंतामणि ज्योतिषी की लड़की है ये। हाय पर यार है बड़ी खूबसूरत, अरविंद ने तो इसके लिए अपने माँ बाप ही छोड़ दिए, मैं होता तो अपने बीवी बच्चे भी छोड़ देता। अरविंद। हेलो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कोई खास बात है क्या? मैं तुम्हारे लिए केस लाने वाला हूँ। खुद क्यों नहीं लड़ता? देखो दोस्त, तुमको मुझसे ज्यादा जरूरत है। केस क्या है? ये भीमसेन जिस घर में रहते हैं, इनके घर के सामने एक गुंडा दुर्जन सिंह रहता है, उस बदमाश ने इनकी बीवी को बहका कर धमका कर अपने घर में डाल रखा है ना। जी। ये केस है। भीमसेन जी, जी वो अपनी मर्जी से रहती है या डर से? आपसे पूछ रहे हैं जी। मर्जी से नहीं, डर से। थैंक यू। अब कहाँ आपकी घरवाली? जी उसके घर। It's a case of kidnapping and wrongful detention. Right, you are right, absolutely. Hijacking of wife. Hijacking of wife. वकील साहब, किसी तरह दुर्जन सिंह को जेल करवा दीजिए। अरे आप फिगर मत कीजिए भीमसेन जी, वो जेल से बाहर आएगा ही नहीं। नहीं। और अगर आएगा तो फिर अंदर चला जाएगा। अच्छा? मुझसे बहुत होशियार है ये वकील साहब। तो ऐसा कीजिए, दफा 302 लगवा दीजिए। 366 लगवा दीजिए। अरविंद, दफा 366 लगवा दो और भिजवा दो बदमाश को जेल में। आशा। ए, ये सुबह सुबह भगवान से क्या मांग रही हो? वही जो हर औरत मांगती है, कि उसका पति खूब तरक्की करे, बहुत बड़ा आदमी बने, उसकी इज्जत हो, शोहरत हो। जब तुम मेरे साथ हो तो इज्जत और शोहरत की क्या कमी? आज तुम्हारा पहला दिन है ना, लो भगवान का प्रसाद ले लो। तुम भी खाओ। सुनो, ये तो हो गया भगवान का प्रसाद, मेरा प्रसाद वो भी ले लो। जीती रहो बेटी। बैठिए माँ जी। अरविंद नहीं है, कचहरी गए हैं। सुंदर बहू, इतना लायक बेटा, शादी हो गई होती तो क्यों दूर रहते मुझसे? नसीब मेरा। माँ जी आप रो रही हैं? साहब जचुंदर जैसी हालत है मेरी। इच्छा भगवान की। बेटी मैं अरविंद के लिए खीर लाई हूँ, उसे खीर बहुत पसंद है। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं चलती हूँ, अरविंद के पिताजी घर पे हैं, मैं उनसे छुप कर आई हूँ। वो माँ के दिल को भी बाप के दिल से तोड़ने लगते हैं। मैं जल्दी से चाय बना लूंगी। मैं फिर किसी दिन आऊंगी। अरविंद का ख्याल रखना, उसने वकालत शुरू कर दी। जी हाँ, आज एक मुकदमा है। केस नंबर 180, भीम सिंह वर्सेस दुर्जन सिंह।
योर ऑनर, दुलारी देवी जो इस वक्त अदालत में मौजूद है वो भीम सिंह की धर्म पत्नी है, और ये है दुर्जन सिंह जो दुलारी देवी को हमेशा जबरदस्ती भगा के ले जाता है। योर ऑनर, भीम सिंह ने दुलारी देवी के साथ हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी की है। क्या मेरे दोस्त वकील साहब ने भी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी की है? लेकिन इस सवाल का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, रस्म रिवाज और कायदे कानून का वही हिमायती हो सकता है जो खुद उनको माने। मेरे माननीय वकील साहब श्री अरविंद कुमार जी ने समाज के बनाए हुए शादी के कानून को तोड़कर आशा देवी नाम की एक कुंवारी लड़की के साथ शान से जीवन बिता रहे हैं, घर बसाए बैठे हैं, और आज अदालत के सामने समाज के बनाए हुए कानून की दुहाई दे रहे हैं। योर ऑनर। यस योर ऑनर, मैं ये केस वापस लेता हूं, मैं ये केस लड़ना नहीं चाहता। I'm sorry. क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हूँ। आज माँ आई थी। माँ आई थी? हाँ। यहाँ? हाँ। अरे सुनो। हाँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें खीर बहुत पसंद है। खीर? तो क्या माँ खीर लाई मेरे लिए? खीर ही क्या, दुनिया भर का खाना लेकर आई है। अच्छा? हाँ। तो फटाफट लगा दो, ऐसे लग रहा जैसे 100 साल से माँ के हाथों का खाना ही नहीं खाया। कमान हरिया, कमान कमान। वाह मजा आ गया खीर का, थोड़ी और दो। खीर तुम्हें इतनी पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना दिया करूंगी। ओहो, लेकिन रोज खीर खाने के लिए आमदनी भी तो चाहिए। क्यों, आमदनी क्यों नहीं होगी, तुम वकालत जो करने लगे हो। हाँ, क्या हुआ उस मुकदमे का? तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे ख्याल क्या, मुझे तो पूरा यकीन है तुम 100% जीते होगे। क्यों, ठीक है ना? मेरा दिल कहता है तुम एक दिन बहुत बड़े वकील बनोगे। हमारा बंगला होगा, मोटर होगी, नौकर चाकर होंगे। ये बेचारी नहीं जानती आज कोर्ट में क्या हुआ, ये नौकरों के खाते देख रही और मुझे नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। बैठो बरखुदार। बोलो क्या काम है? सर मुझे वो सुरेश मेहता ने, अरे हाँ, उन्होंने मुझे फोन किया था। इसी साल एलएलबी किया है ना तुमने? जी हाँ। ठीक है, फर्म को एक कानूनी सलाहकार की जरूरत है। खन्ना साहब, अगर मुझे ये जगह मिल जाए, क्या मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है? बरखुरदार, मैं तो यहाँ एक सेक्रेटरी हूँ, नौकरी तो फर्म के डायरेक्टर ही दे सकते हैं। खन्ना साहब, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। आज ही? अभी, 11 बजे तक मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। 10,000-20,000 भेज दूंगा, मेरे बाप का क्या जाता है? सर, इस एलएलबी के इम्तिहान में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हूं, मेरे पास गोल्ड मेडल भी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है। अरे बरखोरदार, आजकल के जमाने में ये कैरेक्टर कौन देखता है? ये जो बाबू आए थे ना प्रेमनाथ, हमारे सेठ जी के जवाई है, सेठ जी ने इनका कैरेक्टर देखा नहीं, डिग्री देखी और अपनी बेटी दे दी। अरे मारे गोली, इन बातों को हमें क्या लेना है, मैं सेठ जी से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, तुम मंडे को आना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आओ भैया बैठो। अरविंद कहाँ है? कचहरी गए हैं। कचहरी? हाँ। कचहरी कहाँ जाता है वो, उसने कुछ बताया नहीं तुमको? क्या? पहले ही दिन मुल्जिम के वकील ने अरविंद के निजी जीवन पर हमला कर दिया, और अरविंद भी पागल है, कोई शादी करके रहता है बिना शादी के, उससे अदालत को क्या मतलब, चला आया मुकदमा छोड़ के। मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। तुम्हें दुख होगा इसलिए नहीं बताया होगा। मुझे तो रोज कह के जाते हैं कि मैं कचहरी जा रहा हूँ। तुम उससे कुछ पूछना भी मत भाभी,
बड़े बाप का बेटा है ना, थोड़ी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सुरेश मिला था, कह रहा था अरविंद को जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। जी नाम अरविंद कुमार, इस साल LLB में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। ठीक है, उसे बता दिया ना कि 750 रुपए तनख्वाह मिलेगी? जी हाँ, वो राजी है। तो उसे बुला लो अंदर। जा सूजी, मेरी कैबिन में जो साहब बैठे हैं ना, उन्हें अंदर भेज दो। मिस्टर खन्ना जी, आजकल तुम इतने रुपए निकाल रहे हो, क्या बात है? जी वो बात तो प्रेमनाथ जी ही बता सकते हैं। प्रेम, क्या बात है? डैडी, आजकल पब्लिक रिलेशन में काफी रुपया खर्चा करना पड़ता है। आओ बरखोदार, आओ, हमारे सेठ जी, और ये हैं सेठ जी के दामाद प्रेमनाथ जी। हेलो, मैं शोभा बोल रही हूँ पिताजी। हाँ बेटी, हाँ यहाँ बैठा है प्रेम जी, शोभा का फोन है। हेलो डार्लिंग, आप खाने पे आ रहे हैं ना? नहीं, तुम खा लेना, मुझे एक दोस्त के यहाँ लंच पे जाना है। मुझे मालूम है किस दोस्त के यहाँ जाना है, इन्होंने मुझसे शादी थोड़ी की है, मेरे बाप के पैसों से शादी की है। ए, डर गई ना? कब आए? जब से आपने देखा। बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ खुश तो होऊंगा, आज मुझे नौकरी मिली। नौकरी? हाँ नौकरी। देखो ना, आजकल नए वकीलों को कोर्ट में कौन पूछता है, रोज सुबह जाते हैं, जब शाम को वापस लौटते हैं, खीसे में एक नया पैसा नहीं होता। लेकिन अपना, अपनी बंदी तनख्वाह महीने के महीने खुश खुश। दैट्स इट। सुरेश आया था। सुरेश आया था? उसके बच्चे का कल जन्मदिन है, हमें बुलाया है। हाँ उसके बच्चे का जन्मदिन है, हमें जरूर जाना चाहिए। और फिर जानती हो, ये नौकरी मुझे उसी की बदौलत मिली। देखो कुछ एडवांस लाया हूं तुम्हारे लिए, स्माइल। दैट्स इट, दैट्स इट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू संजय, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मुबारक हो। थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी तो मिली। इट्स ऑल राइट। हेलो अरविंद, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। क्यों अरविंद यार, शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं? अरे भाई साहब, अरविंद बाबू ने अगर शादी की होती तो क्या आपको कार्ड ना भेजते? अरे यार रमेश प्लीज यार, तुम लोग ठीक है? रमेश, हमने पंडित बुला के शादी नहीं की, फेरे नहीं लिए, मगर हम पति पत्नी की तरह रहते जरूर हैं। और बिना शादी किए पति पत्नी की तरह, बेशर्मी की भी हद है। कम्मो, शर्म नहीं आती इस तरह सबके सामने बात करते हुए? शर्म? शर्म मुझे आनी चाहिए या उसे? मैंने तुमसे शादी की है, उसकी तरह रखेल नहीं हूं। कमो तुम चलो यहां से। अरविंद, 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 अरे जरा मेरी बात तो सुन। क्या बताऊं देवराज, चिंता होने की लड़की के साथ रहता है, अगर उसके साथ शादी करके मर जाता तो मैं सब्र कर लेता। ऐसी बुरी बात के मुंह से निकालते हो? इसलिए कि मैं दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा सकता। कितना होनहार लड़का था, कहां से कहां पहुंच जाता। पहुंच गया जहां पहुंचना था, श्यामलाल जज का बेटा सपन लाल की नौकरी कर रहा है। सुजीत सिंह की फाइल वकील के पास भेज दी? जी हाँ, और आज मैं उनसे मिलने भी जाने वाला हूँ। हेलो, क्या शोभा ने आत्महत्या कर ली? पुलिस की शहादत और रिपोर्ट के मुताबिक रिवॉल्वर पर शोभा देवी की उंगलियों के निशान थे। शोभा देवी का अपने हाथ से यह खत लिखना कि मैं आत्महत्या कर रही हूं और उसके लिए कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है
कि शोभा देवी ने आत्महत्या की है, उसका कत्ल नहीं हुआ। शोभा देवी के केस का क्या हुआ? शोभा देवी के केस का क्या हुआ? हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि शोभा देवी ने आत्महत्या की है, लेकिन शोभा देवी के पिताजी को यकीन है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है कि कत्ल है। तो फिर कत्ल ही होगा। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मुझे अपने पति की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं तो कहूंगी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सेठ जी का भी ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। दिल्ली में एक बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, क्या नाम उनका, मेरी फाइल, हाँ ये रहा, कांता प्रसाद शुक्ला, इन्हें केस समझाने के लिए परसों दिल्ली जाना पड़ेगा। अपील करने से कोई फायदा नहीं, जरा और सबूत दोनों खुदकुशी को ही साबित करते हैं। छोटा मुंह और बड़ी बात के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इस केस में एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने अपील करने की सलाह दी है। कौन सा पॉइंट? शोभा देवी हर काम बाएं हाथ से करती थी। ये तो हाई कोर्ट के फैसले में भी मौजूद है, और शोभा देवी का वो खत भी बाएं हाथ से लिखा हुआ था। यू आर राइट सर। तो फिर ये देखिए सर, इसमें क्या है? आपको इसमें कुछ खास बात नजर आती? नहीं तो मैं आपको बताता हूं, ये रिवॉल्वर शोभा देवी के बाएं हाथ में है। ठीक है। और गोली का निशान शोभा देवी के माथे पर दाहिनी तरफ है। इससे क्या नतीजा निकाला? एक मिनट सर, ये लीजिए रिवॉल्वर और आत्महत्या कीजिए। हम आत्महत्या करें? क्या बदतमीजी है। माफ कीजिए, रिवॉल्वर खाली है सर। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप आत्महत्या करना चाहें तो रिवॉल्वर का इस्तेमाल किस तरह करेंगे? इस तरह? अगर शोभा देवी की तरह आपका बायां हाथ चलता होता तो आप रिवॉल्वर का इस्तेमाल किस तरह करते? इस तरह। अब आप ये रिवॉल्वर अपने दाहिनी तरफ लीजिए और गोली चलाने की कोशिश कीजिए। इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट्स माय पॉइंट सर, क्योंकि आपका दाहिना हाथ चलता है इसलिए आपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल अपने माथे के दाहिनी तरफ किया। अगर शोभा देवी आत्महत्या करना चाहती तो वो रिवॉल्वर का इस्तेमाल अपनी बाईं तरफ करती, दाहिनी तरफ नहीं, क्योंकि उनका बायां हाथ चलता था, लेकिन गोली माथे के दाहिनी तरफ है। क्लेवर, दैट्स वेरी क्लेवर। इससे साफ जाहिर है सर कि गोली किसी और ने चलाई और कत्ल करने के बाद रिवॉल्वर शोभा देवी के हाथ में थमा दिया, और मेरे ख्याल में वो खत भी शोभा देवी ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी ने जबरदस्ती और चालाकी से लिखवाया है। और बदकिस्मती की बात यह है कि पुलिस और कोर्ट ने इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया। सर, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ केस ऑफ सुइसाइड बट इट्स अ केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दैट्स ऑल सर। ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट अरविंद बाबू। थैंक यू सर। इट्स डेफिनेटली अ मर्डर, लेकिन कातिल कौन हो सकता है? वही सर जिसका कोई मकसद होगा, और इस केस में शोभा देवी के पति प्रेमनाथ के अलावा मर्डर और कोई नहीं हो सकता। आपको वकालत करनी चाहिए, नौकरी नहीं। व्हाई डोंट यू सर? कुछ मजबूरी है। अरे भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी, एक दिन तुम बहुत बड़े वकील बनो। हाय पापा। हेलो माय चाइल्ड, हाउ आर यू? बेटे इनसे मिलो, ये है अरविंद कुमार BLLB, और ये मेरी बेटी नीलम। हाय। हेलो पापा, मैं टूर्नामेंट के लिए जा रही हूँ। विश मी लक। बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ बेस्ट ऑफ लक कहने से नहीं चलेगा, आपको खुद आना पड़ेगा। अच्छा भैया। ओके, अभी आएंगे। मुबारक हो। थैंक यू। सुना है चंडीगढ़ बहुत अच्छी जगह है। खुली है। दिल्ली तो बहुत कंजेस्टेड होता जा रहा है। ये तो हर बड़े शहर का हाल है। पापा कहते हैं आप बहुत ब्रिलियंट हैं, फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। आपकी चुगली कर रहे थे। अरविंद, एक बात पूछूं? तुम्हारी शादी हो चुकी है? जवाब नहीं दिया। क्यों ही? मजबूरी, फिर कोई मजबूरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में मजबूरियां बहुत है। क्या कर रहे थे, मेरी चुगली? नहीं बेटे, हम अरविंद से कह रहे थे कि नीलम हमारी इकलौती बेटी है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ओ पापा, ये चोची। हाँ।
हे क्या किया सर? अच्छा अरे बाबा बड़ी भूख लगी, हमने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। भूख लगी है तो उधर बैठो। क्यों, यहाँ कुछ नहीं हो सकता? खीर माँ आई थी? मैंने बनाई है। तुमने बनाई? ए किस खुशी में? कोई आने वाला है। कौन आने वाला? एक नन्ना मेहमान। व्हाट? हाँ तुम बाप बनने वाले। अच्छा मैं ओ मुंह मीठा कर। हाँ ऑफ कोर्स मुंह मीठा, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था एक तरफ होने वाले बच्चे की खुशी है, दूसरी तरफ देखो जब समाज हमारी शादी को नहीं मानता तो हमारे होने वाले बच्चे को ना जाने क्या कुछ कहेगा। ए, चलो शादी कर लेते हैं। हाँ कह दो। तुम तो जानते हो इस भविष्यवाणी के होते हुए मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। पहले तो मुझे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की जरूरत थी, अब तो होने वाले बच्चे को उसके बाप की जरूरत है। ओहो इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा करो, तुम हो कि आंसू बहा रहे हो। कम 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 स्माइल स्माइल स्माइल। हाय दैट्स इट। पोस्टमैन? हमारे घर में पोस्टमैन? किसकी चिट्ठी हो सकती? मैं देखती हूँ। ए एक मिनट। स्माइल स्माइल दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। किसकी चिट्ठी है? दिल्ली से कांता प्रसाद शुक्ला। लो पढ़ो। प्रिय अरविंद जी, शोभा देवी के मुकदमे की पहली पेशी 25 तारीख को होगी। इस पेशी पर तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। सेठ सिब्बनलाल को भी हमने पत्र डाल दिया है। तुम्हारा खैर का, कांता प्रसाद शुक्ला। लो अब फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। लाओ तो। कुछ और भी लिखा है, पढ़ो। हमारी तमन्ना है कि हम अपनी बेटी नीलम का हाथ किसी होशियार और होनहार लड़के के हाथ में सौंप कर बेफिक्र हो जाएं। हमने तुम्हारी लियाकत देख ली है, हमें यकीन है कि तुम एक बहुत बड़े वकील बन सकते हो, एक नामवार बैरिस्टर बन सकते हो, जज बन सकते हो। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हें विलायत भी भेजेंगे। ये खत नीलम नीलम की राय जानने के बाद ही लिखा है। तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। तुमने नीलम के बारे में कभी कुछ नहीं बताया? जरूरत नहीं थी। इसका क्या जवाब दोगे? जवाब? शादी कर लूंगा। मुझे खुशी होगी, मेरी वजह से तुम्हारी तरक्की के सब रास्ते बंद हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं सह सकती? मजाक तो मैंने बना दिया तुम्हारी जिंदगी का। मैं दिल से कहती हूँ तुम नीलम से शादी कर लो। तुम किसी नीले पीले से शादी कर लोगी क्या पागल? खीर खाओ खीर। याद किया चंडीगढ़ में आपको? हमने बहुत याद किया आपको, दिन गिन रहे थे। बस हम हाजिर हो गए। पापा की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। हम आ गए हैं तो जवाब भी दे देंगे, मगर क्या जवाब दूंगा? क्या मैं बता सकता हूं मैंने किस किस्म की शादी की है? अरे आओ अरविंद इधर ही आ जाओ। पापा आपके मेहमान को मैं सही सलामत ले आई। आ बेटा आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
बैठ जाओ। नीलम बेटे कुछ पीने वीने का तो भेजो। भिजवाती हूं। ये है तुम्हारे केस की फाइल, कल पहली पेशी है। आपको क्या लगता है हम ये केस जीत जाएंगे ना? जरूर जीतेंगे, सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से। नहीं, आपकी वजह से। सुनो बेटे, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आओ बेटे बात करनी है। बेटे तुम्हारा क्या ख्याल है, शोभा देवी के कातिल को सजाए मौत होगी या उम्र कैद? ये तो अदालत पर है, लेकिन मेरे ख्याल से सजाए मौत होनी चाहिए। हमारा भी यही ख्याल है। लो बेटा पियो। आप नहीं पीजिएगा? डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, खैर तुम्हारी खातिर पी लेता। हाँ बेटे, वो हमारे खत के बारे में क्या सोचा? जी वो कैसे बताऊं, मेरा मतलब है बैरिस्टर साहब। हम समझ गए, वही मजबूरी, हमें भी कोई जल्दी नहीं। नीलम अभी एमएम पढ़ रही है, शादी भी इम्तिहान के बाद ही होगी। वैसे हमारी तरफ से बात पक्की है। और हाँ बेटे, आज रात तुम हमारे यहाँ रहो। बंसे साहब को कमरा दिखाओ। मैं आशा की एक नहीं सुनूंगा, न सच बताते बनता न सच छुपाते बनता। मैं तो जाते सीधा शादी कर लूंगा। नहीं मानेगी ना, अरे जबरदस्ती उठा के गोद में बिठा के फेरे ले लूंगा। समझती क्या, मैंने तो बिल्कुल फैसला कर लिया बस। क्या फैसला कर लिया? कौन है आप, हमें भी बताइए ना। मैंने अपनी शादी का फैसला कर लिया। हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे? कश्मीर नहीं, स्विट्जरलैंड। हाँ स्विट्जरलैंड, लेकिन पहले मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। जाते जाते उसे साफ साफ कह दूंगा कि देखो भाई, बात यह है कि चली गई। कमाल कमाल है, आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता, और मैं एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा हूं। बस चंडीगढ़ जाते पहला काम शादी, मरना तो मुझे ही है ना। अरे आशा के लिए मर भी जाऊंगा। आशा बेटी, आशा बेटी, आशा बेटी, आशा बेटी, तेरा बाप दो घड़ी का मेहमान है। पिताजी, तू क्यों आई है तू यहां? चली जा यहां से, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। मर जाने दे मुझे शांति से। नहीं पिताजी, दूर है मुझसे, मेरे शरीर को मत छूना। अगर थोड़ी भी लज्जा रह गई है तो मेरे मृतक शरीर को भी हाथ मत लगाना। नहीं पिताजी, मैंने भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की है प्रभु, मगर मेरी बेटी ने अपनी सभ्यता, नारी की महानता को नीचा दिखाया है, इसे कलंकित किया है। अपने चरणों में जगह दे दो प्रभु, उठा लो मुझे, उठा लो। हे राम, अगर थोड़ी भी लज्जा रह गई है तो मेरे मृतक शरीर को भी हाथ मत लगाना। अगर थोड़ी भी लज्जा रह गई है तो मेरे मृतक शरीर को भी हाथ मत लगाना। अगर थोड़ी भी लज्जा रह गई है तो मेरे मृतक शरीर को भी हाथ मत लगाना। हिंदू धर्म में जब तक अग्नि और समाज को साक्षी मानकर फेरे ना दिए जाए तो विवाह विवाह नहीं होता, और बिना शादी के किसी के साथ रहने वाली लड़की उल्टा कहलाती है रखेल कहलाती है, उल्टा कहलाती है रखेल कहलाती है। वो तो अपने पिताजी के घर गई हुई है। पिताजी के घर? जी हाँ। लाला जी, ये शास्त्री जी कहाँ गए? शास्त्री जी तो चल बसे। चल बसे? कब? कल सुबह 10 बजे। 10 बजे? आशा, उसने ये खत दिया है। मेरे अरविंद, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने मृत शरीर को भी मुझे हाथ लगाने से मना कर दिया। अगर मैं अपने इन हाथों से
तुम्हारे हाथों को थामे रहूंगी तो तुम्हें समाज में वो इज्जत और वो जगह नहीं मिल सकती जिसके सपने मैंने देखे थे। इसीलिए तुम्हारे सुख सम्मान तुम्हारी उन्नति के लिए तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। तुम्हारी आशा। गण सज्जनों, संसार के सभी प्राणी उचित अनुचित कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। सुख दुख और आशा निराशा के पाश में जकड़े हुए हैं। माया और मोह के अंधकार में भटक रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब जीवन में कुछ भी सुझाई न देता हो तो मनुष्य को केवल प्रभु चरणों में जाकर ही शांति मिलती है। प्रभु की शरण में जाने का एक ही उपाय है और वो है प्रार्थना। जब दुख से मन घबरा जाए हर ओर निराशा छा जाए जब दुख से मन घबरा जाए हर ओर निराशा छा जाए जब एक किरण भी आशा की आती हो नहीं नजर प्रार्थना कर प्रार्थना कर जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर प्रार्थना कर जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर प्रार्थना कर जिसको न किसी ने देखा है वो एक कर्म की रेखा है
जिसको न किसी ने देखा है वो एक कर्म की रेखा है, वो सबका भाग्य विधाता है, सबकी है उसे खबर। प्रार्थना कर प्रार्थना कर जगत के पालनहारे से, प्रार्थना कर प्रार्थना कर। देवी, कीर्तन समाप्त हो चुका है, अंधेरा हो रहा है, और तुम अपने क्या? हां, मैं बहुत दुखी हूं स्वामी जी, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। क्या बात है, कौन हो तुम? मैं कवारी सुहागन हूं, कवारी मां। मरने की इच्छा थी लेकिन कोख में पनपते जीव की रक्षा के लिए आपके आश्रम में आश्रय लेने चली आई। आश्रम तो आश्रय के लिए ही होते हैं बेटी, ये तो प्रभु का घर है, यहां कोई भी रह सकता है। मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख लिया, तुम गंगा की तरह पवित्र और शकुंतला की तरह निर्दोष हो। आश्रम में रहकर साधना करो, साधना से जीवन के सारे उद्देश्य सफल हो जाते हैं। आज से मेरा नाम साधना रख दीजिए, आशा नाम से सिर्फ निराशा ही मिली मुझे। बेटी, अंधकार में से ही प्रकाश का उदय होता है, निराशा से ही आशा की किरण फूटती है। तुम चाहती हो तो आज से मैं तुम्हें साधना ही कहूंगा। अगर मैं अपने इन हाथों से तुम्हारे हाथों को थामे रहूंगी तो तुम्हें समाज में वो इज्जत और वो जगह नहीं मिल सकती। इसीलिए तुम्हारे सुख सम्मान, तुम्हारी उन्नति के लिए तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। क्या पता वो अब जिंदा भी है कि नहीं। उसे ढूंढ लिया, उसके लिए रो लिया, अब क्या बेटा इसी तरह बैठे रहोगे? जिंदगी में अब रखा क्या है? दुनिया में ऐसा कोई गम नहीं जिस पे जिंदगी कुर्बान कर दी जाए। अगर आशा के साथ जिंदगी नहीं बीत सकी तो निराशा के साथ और भी तकलीफ होगी। और फिर क्या, हमारा तुम पर कोई हक नहीं? क्या इस घर की खुशियां सदा के लिए बर्बाद कर दी जाए? बेटे, जिंदगी चलने का नाम है, ठहरने का नहीं। मैं जानता हूं मां, लेकिन मुझे शादी जैसी चीज से नफरत हो गई है। क्या कहा, अरविंद कुमार जज श्यामलाल का बेटा? हाँ, मुझे भी तभी मालूम पड़ा जब वो मेरी नौकरी छोड़कर गया। श्यामलाल जी को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, तो फोन पे बात करोगे? नहीं, उनसे खुद मिल लेंगे। अच्छा, अच्छा। आओ बेटी। अच्छा अंकल। अच्छा, नमस्ते। बाय। नमस्ते।
अरे शुक्ला जी कहिए श्यामलाल जी कैसे और क्या हाल है? बस फर्स्ट क्लास। नमस्ते। जीती रहो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। मेरी बेटी नीलम। कैसी है बेटी? शुक्ला जी इधर का रुख कैसे किया? मियाँ वो अरविंद को ढूंढते हुए चले आए, उसने बताया नहीं वो आपका बेटा है। अच्छा, आइए मेरे साथ। लेकिन अरविंद है कहाँ? मेरा नाम नीलम, पहचाना? नीलम, तुम यहाँ? आपकी राह देखी, आपके खत की राह देखी, दोनों नहीं आए तो खुद ही चली आई। और दरअसल क्या है, मैंने नौकरी छोड़ दी इसलिए दिल्ली आना नहीं हुआ। खत तो लिख सकते थे? हाँ खत तो लिख सकता था, लेकिन मगर नहीं लिखा। खड़े खड़े ही बातें करेंगे? हाँ? नहीं, 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 प्लीज राम। लो बैठ गए। आप तो बैठेंगे नहीं, लगता आप हमें देख के कुछ खुश नहीं हुए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पिताजी भी आए। क्या मैं अकेली आती? एक खुशखबरी सुनो। मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? क्या फैसला किया? आपकी बात सच निकली, शोभा देवी ने आत्महत्या नहीं की, उनका कत्ल किया गया। सच? सच। उसके पति प्रेमा पे यहाँ केस किया जाएगा। आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली। नीलम तुमने सच मुझे एक बहुत अच्छी खबर सुनाई। तुम्हारे पिताजी कहाँ? आपके डैडी के साथ नीचे बैठे हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे एक दूसरे को देखा यूं करके मिले। छुड़ाने की कोशिश मत करना, हम बहुत दूर से आपसे कुछ कहने आए। क्या? क्या? कि हम आपसे मोहब्बत करने लगे, शादी करना चाहते हैं आपसे। नीलम वो अरविंद मजबूरी की बात नहीं करना, जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। क्या पता वो अब जिंदा भी है कि नहीं। दुनिया में ऐसा कोई गम नहीं जिस पे जिंदगी कुर्बान कर दी जाए। और फिर क्या, हमारा तुम पर कोई हक नहीं? क्या इस घर की खुशियां सदा के लिए बर्बाद कर दी जाए? कैसा लग रहा है? अरे जागरा तो दूल्हे की आंख में आंसू। कभी कभी ऐसा भी होता है। छोड़ो भी, आज तो मौज मनाने का दिन है। कल हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, फिर लंदन। वहां से तुम बैरिस्टर बन के आओगे, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, फिर जज बनोगे। हर औरत यही चाहती है उसका पति बहुत बड़ा आदमी बने, उसका नाम हो, शोहरत हो, इज्जत हो। और मुझे यकीन है एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये सपने किसी और ने भी तो देखे थे। Your attention please. This is the last and final call for Mr. and Mrs. Arvind, passengers traveling to London by Air India flight 118. Please check through customs and immigration. Thank you. ना कोई डर।
हिल सकते हैं अपनी प्रीत अटल, देखो अपनी प्रीत अटल, पल पल ओ पल पल। समय तू जल्दी जल्दी चल, समय तू जल्दी जल्दी चल, आज का दिन है पल पल भारी, कैसा होगा कल, हाय रे कैसा होगा कल, पल पल हो पल पल। समय घर पे हैं? आइए आइए श्यामलाल जी, आइए। नमस्कार। अरे मैं सोच ही रहा था आज आप लोग जरूर आएंगे। कोई पक्की खबर मिली बच्चों के आने की? आई ये रहा तार, कल सुबह 10 बजे एयर इंडिया से पहुंच जाएंगे। और अरविंद के आने से रौनक आ गई। हाँ। अरे बच्चे ना हो घर में तो बिल्कुल सन्नाटा होता है। बस घर यूं ही भरा रहे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बात आप ही शुरू करना। हाँ भैया अभी करते हैं। अरे हैं कहाँ ये दोनों? अरविंद यहाँ पे। अरविंद। अरे वो बैठे। अरे अरविंद बेटे, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि तुम प्रैक्टिस यहीं करो। हाँ मियाँ, सब जमा जमा काम है,
कम से कम 3 लाख रुपए की तो मेरी लाइब्रेरी होगी। पिताजी मैं भी चंडीगढ़ नहीं जाना चाहूंगा। हाँ कोई बात नहीं, चंडीगढ़ भी वैसे छोटी जगह है। बेटा जहाँ जी चाहे रहो, चंडीगढ़ भी अपना घर है, दिल्ली भी अपना घर है। लो अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हो गया। ए बदमाश छोड़, अरे ना तुझे मारूंगा। ओए अरे बेटा तंग कर दिया मैंने सवेरे सवेरे। ए रोंदा उतो, ये लो तुम्हारी लस्सी। भाई वाह, अपने दोस्त अरविंद ने बड़ी धूम मचा रखी है दिल्ली में। जिस केस को हाथ लगाता उसी में जीत। ये देखो अब तो वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया है। बहुत जोरों से चल रही है प्रैक्टिस उसकी। जी हाँ, तुम अपनी सोचो पहले। तुम जा कहाँ रही हो, पहले मेरी बात तो सुनो। सुनाओ। भाई मैंने भी सोच लिया है, दिल्ली में प्रैक्टिस करूंगा। अरविंद बड़ी मदद करेगा हमारी। भाई मैं चंडीगढ़ छोड़ के नहीं जाना, ना मैं तुमको जाने देना है। क्यों जी, ऐसी क्या खास बात है यहाँ? अरे यहाँ हमारी महिला समाज है, यहाँ की हवा अच्छी है, यहाँ का पानी अच्छा है। आहा, तो तुम यहाँ का पानी पियो, हवा खाओ और बच्चे बनाओ। चलो। हाँ? क्या कहा? बच्चे बनाओ? अजी मैंने कहा, ये सब क्या मेरे अकेले के हैं? अरे इसीलिए तो अस्पताल जा रहा हूँ, ताकि तुमको ये कहने का बहाना नहीं मिले। सुनो जी, मैंने तुमसे बच्चों के लिए कब जिद की थी? नहीं भी तो नहीं की थी। 5 साल में 4 सलामत और 1 की तैयारी, आमदनी कम बच्चे ज्यादा। अरे चुप रहो मेरे बाप, दिन भर का शोर कलह क्लेश काम क्या खाक करूं, इसीलिए तो जा रहा हूं। कहां जा रहे हो पापा? राजू बेटा तेरा पापा अस्पताल जा रहा है, तेरा पूछ तो क्यों जा रहा है बताओ ना जी। क्यों जा रहे हो पापा? बेटा मेरी वकालत तो चलती नहीं और तेरी माँ मानती नहीं। क्यों नहीं मानती माँ? चुप है। अरे सरकार सिर्फ प्रचार करती है, ये नहीं कि फैमिली प्लानिंग न मानने वाले पति पत्नी को दफा 100 के मातहत जेल में चक्की पीसने के लिए भिजवा दे। फिर देखो। क्या देखो? पापा तुम जाओगे जेल में चक्की पीसने? अरे चक्की तो मैं घर में बैठकर ही पीस रहा हूँ, अब जा रहा हूँ। पापा मैं भी चलूंगा। मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन करवाने। पापा मैं भी करवाऊंगा। हैं? वैसे बात अकल की कर रहा है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जानते हो नीलम की शादी को 5 बरस से ऊपर हो गए हैं और अभी तक बच्चा नहीं हुआ, सब ठीक तो है ना? भाई हमें क्या मालूम, शायद फैमिली प्लानिंग पे अमल कर रहे हो। यार दोनों विलायत से लौटे, हो भी सकता है। भाई ये अभी से फैमिली प्लानिंग क्या हुई, मैं तो कहती हूँ दोनों की डॉक्टरी करानी चाहिए। सुना आपने माँ जी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? यही कि 5 साल से ज्यादा हो गए हैं शादी को, डॉक्टरी करानी चाहिए हमारी। डॉक्टरी? ये बीच में डॉक्टर कहाँ से आ गया? बिल्कुल बुद्धू हैं आप। अरे इसमें बुद्धू की क्या बात है? अच्छा तो हिसाब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे मालूम आपको, क्या बच्चा पैदा किया है कभी? अरे बच्चा पैदा करना कौन सी बड़ी बात है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मैं करा चुकी हूँ अपनी डॉक्टरी, मेरे पास सर्टिफिकेट है। अरे सर्टिफिकेट तुम्हारे पास भी था लेकिन कहीं खो गया। खो गया तो अब मिल जाएगा। अरविंद मैं जब जब तुम्हारे करीब आती हूँ ऐसा लगता है तुम बहुत दूर हो, तभी तो आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ। I love you. मुझे अपनी बाहों में ले लो। घर बहुत सुना है, इसमें रौनक की जरूरत है, मुझे अपने और करीब ले लो और
नमस्ते। कहिए। इस बच्चे को दाखिल करवाने आई हूँ। बैठिए। आपका बच्चा है? जी हाँ। क्या नाम है बच्चे का? अजय कुमार। पिता का नाम? आप मेरा ही नाम लिख दीजिए, साधना। देखिए, स्कूल के नियम के अनुसार माँ का नहीं बाप का नाम लिखा जाता है। साधना, बेटी साधना, मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया था। नमस्ते। नमस्ते बेटे, पर हरिद्वार से गाड़ी देर से छूटी। विराज जी, धन्यवाद। आओ बेटे, बैठ जाओ। तो अजय का दाखला हो गया? स्वामी जी, इनका कहना है बाप का नाम लिखवाना जरूरी है। देखिए श्रीमती जी, इस बच्चे का जन्म आश्रम में हुआ है और आश्रम में पैदा होने वाले बच्चों के पिता स्वयं भगवान होते हैं। जी मैं समझ गई, आप ये फॉर्म भर दीजिए। जज साहब, आपके लिए I have a surprise for you. Surprise? What surprise? मैंने आज खीर बनाई है। खीर? अपने हाथों से। किस खुशी में? किसी के आने की खुशी में। कौन आ रहा? एक नन्हा मेहमान। आप बाप बनने वाले हैं। लो मुंह मीठा करो। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, यही सोच रहा था अगर माँ यहाँ होती तो सुनकर कितना खुश होती। मैंने उन्हें पहले ही फोन कर दिया। फोन कर दिया? क्या कहा? यही कि जज साहब बाप बनने वाले हैं। क्यों, कैसा लगा बाप बनना? बच्चे आश्रम में पैदा होते उनके बाप नहीं होते? क्यों नहीं होते? होते हैं, उनके भी होते हैं। तो मेरे पिताजी कहाँ हैं? सब बच्चों के पिताजी हैं, मेरे क्यों नहीं हैं? वो भी आएंगे। जब मैं पूछता हूँ यही कहती आएंगे आएंगे आएंगे। कब आएंगे? जब तू इम्तिहान में फर्स्ट आएगा ना, तब आएंगे। मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा फर्स्ट। देवेन, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि अरविंद जज बनके देहरादून जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। पापा जी, अरविंद की जब तरक्की होती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारा क्या हाल है? वही पुरानी चाल बेढंगी, जो पहले थी वो अब भी है। Thank you.
अरे वाह, आज तो हमारी मेम साहब बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। आइए मैं आपको कुछ दिखाऊं। वाह, तुम तो खिलौनों की पूरी दुकान खरीद कर ले आई। हाँ छोटे जज साहब आने वाले हैं, कोई मजाक थोड़ी है। साहब आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। अच्छा, नमस्ते। जज साहब, मैं हूँ मसूरी के हैम्पटन कोर स्कूल की प्रिंसिपल, और आप हैं प्रेसिडेंट। हेलो। और आप हैं सेक्रेटरी। हाउ डू यू डू सर। तशरीफ रखिए। फरमाइए। जज साहब, हम ये आशा लेकर आए हैं कि आप हमारे स्कूल के सालाना जलसे में चीफ गेस्ट बनने की कृपा करेंगे और अपने हाथों स्कूल के बच्चों को प्राइजेस प्रदान करेंगे। लेकिन कब है ये फंक्शन? जी 28 अक्टूबर शाम 4 बजे। जरूर हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद। हम श्रीमती जी से प्रार्थना करेंगे कि आप जरूर पधारें। हाँ, ये भी आएंगे। अब मैं माननीय जज साहब से प्रार्थना करूंगी कि वो बच्चों को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लास 1 अजय कुमार, इंग्लिश में फर्स्ट। कांग्रेचुलेशंस। अरिथमेटिक में फर्स्ट अजय कुमार। कांग्रेचुलेशन अजय। थैंक यू अंकल। अजय कुमार, हिंदी में फर्स्ट। थैंक यू। रीडिंग में फर्स्ट अजय कुमार। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अजय कुमार। यार, तुम तो वाकई बड़े होनहार बच्चे हो। ये लो, हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। लो, ये लो बेटे। Come on, give him a hand, standing ovation. How do you like the show, madam? Oh, very nice. And you, sir, how did you like the show? Bachcha bahut acha tha. Are, wo raha. Kyun Ajay Babu? Gira diye na aapne prizes, ha? Thank you. Thank you, Kaika. Are, hum to aapke dost hain. To milao haath. Milao haath. इसी बात पे चाय हो जाए। चलो चलो बैठिए। ये हाँ, कितना प्यारा है ना। प्यारा ही नहीं, होशियार भी है। इसके माँ बाप जरूर होशियार होंगे। होंगे क्या, होने ही चाहिए। अच्छा बेटा, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? मालूम नहीं। मालूम नहीं? मेरी माँ बता दी नहीं। अब आएगी तो पूछ लूंगा। कब आएंगे? मेरी माँ ने कहा था जब तू फर्स्ट आएगा ना, तब मेरे पिताजी आएंगे। आज तो तुम फर्स्ट आ गए हो। तो आज तो मेरे जरूर पिताजी आएंगे। मैं जाता हूँ। अरे कहाँ जाता हूँ, पहले जरा चाय वाय पियो, ये मिठाई खाओ, ये लड्डू खाओ। देखो माँ, मुझे कितने इनाम मिले। अरे वाह, शाबाश बेटे। माँ, मैं हर चीज में फर्स्ट आया। आज पिताजी आएंगे ना? आपने कहा था कि मैं पहला नंबर होऊंगा जब पिताजी आएंगे। माँ, तुम रो रही हो,
और मैं पिताजी के बारे में कभी नहीं पूछूंगा। सुमित्रा एक बात पूछूं? मैंने पहली बार तुम्हें किसी बच्चे से इतना प्यार करते हुए देखा। ना जाने वो बच्चा मुझे क्यों इतना याद आता है। काश हमारा भी अजय जैसा बेटा हो। कितने किस्मत वाले हैं उसके माँ बाप। जानती हो जब मैंने उसे अपने गले से लगाया मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चा हो तो ऐसा। रिजल्ट नजदीक है देखें। नीलम के बच्चा होने के दिन आ गए और तुम बीमार पड़ गए। तो तुम ही चले जाओ, यहाँ नौकर चाकर मेरी देखभाल कर लेंगे। नौकर चाकरों पे कैसे छोड़कर चली जाऊं, तुम अच्छे होते तो जरूर चली जाती। वैसे तो मैंने अरविंद को भी चिट्ठी लिखती है कि बच्चा होते ही तार से खबर कर दे। दो दिन से तड़प रही है दर्द से, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। कर तो सब कुछ रहे हैं, इंजेक्शन भी दिया, मालूम होता है कुछ रुकावट है। डॉक्टर मिसेस सेन जस्ट अ मिनट, मेरा ख्याल है इस मामले में बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए, फौरन सीजेरियन ऑपरेशन कर देना चाहिए। अगर बच्चे को जल्दी नहीं निकाला गया तो नीलम की जान का खतरा है। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की जान बचाइए। आई विल डू माय बेस्ट। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करो। यस डॉक्टर। मरीज के पति आप ही हैं? जी हां। आइए मेरे साथ। सिस्टर आपसे कंसल्ट लो। मुझे अफसोस है मिस्टर अरविंद कि मैं बच्चे की जान नहीं बचा सका। नहीं, और वो नीलम कैसी है? नीलम बिल्कुल ठीक है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद। हाँ, मगर बच्चे के बारे में उससे मत कुछ कहिएगा। आई एम सॉरी। मुन्ना हुआ ना, मुझे मालूम था मुन्ना हो। आशा, मैं आशा नहीं हूं, साधना हूं। तुम्हारा मतलब मैं झूठ? मैं यहाँ अरविंद।
आशा आशा, मैं तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। मैं साधना हूँ। नाम बदल लेने से सूरत नहीं बदल जाती। तुम्हारे दिल की धड़कन बता रही कि तुम आशा हो। नहीं, मैं आशा नहीं हूँ। देखो देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम आशा नहीं हो। तुम्हें अपने और मेरे प्यार की कसम, कह दो कि तुम आशा नहीं हो। आशा, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मैंने तुम्हें बाहर ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। और फिर अपने माता पिता का मन रखने के लिए मैंने नीलम से शादी कर ली। यही तो मैं चाहती थी, शादी करके तुम सुखी हो जाओ, एक नॉर्मल जिंदगी बसर करो, जो मेरे साथ रहकर कभी मुमकिन नहीं था। मैं चाहती थी समाज में तुम्हारा नाम हो, इज्जत हो। अब मेरी साधना पूरी हो चुकी, आज मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मेरी आंखें तो तुम्हें तलाश करती रही। ये कहना पाप है, तुम किसी स्त्री के पति हो और मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं। तुम मेरे लिए पर पुरुष हो, भूल जाओ हम कभी मिले थे। क्या ये भी भूल जाऊं? क्या ये भी भूल जाऊं कि हम दोनों ने कभी प्रेम किया था? हाँ, आदमी सिर्फ प्रेम के सहारे नहीं जीता, उसकी बाहरी जिंदगी, सोसाइटी में पोजीशन, कर्म धर्म, ये सब बहुत जरूरी है। और फिर तुम तो कानून के रखवाले हो। लेकिन प्रेम किसी कानून को नहीं मानता। जब से हम दोनों मिले हैं, हम दोनों का प्रेम, हमारा प्रेम मिलने के लिए नहीं था, भगवान को यही मंजूर था कि हम एक दूसरे से अलग रहे। अगर भगवान को यही मंजूर था तो फिर भगवान ने हम दोनों को मिलाया क्यों? हमारा इम्तिहान लेने के लिए। आशा, तुम जज हो, शहर में तुम्हारा नाम है, इज्जत है। अगर लोगों को यह सब मालूम हो गया तो तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, तुम्हारी गृहस्थी में आग लग जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी। मेरी तुमसे एक ही विनती है, आज के बाद मुझसे मिलने कभी मत आना। जाने से पहले एक बात पूछ सकता हूं? जब तुम घर से गई थी, मां बनने वाली थी, बच्चा लड़का हो, अब तो वो 6 साल का हो गया होगा, कहां है? स्कूल में पढ़ता है। मैं उसे मिलना चाहता हूं। उससे ना ही मिलो तो अच्छा। क्यों? क्या बाप अपने बेटे से नहीं मिल सकता? समाज इस रिश्ते को नहीं मानता। लेकिन मैं तो मानता हूं। आशा, मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो। कृपा करके आप अपनी बीवी के पास जाइए, वो बहुत बीमार है, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। पाप, हिम्मत रखो मेरे बेटी। नहीं नहीं, रोते नहीं, इसमें रोने की क्या बात है? भगवान की शायद यही मर्जी थी, भगवान फिर देगा। फिर नहीं देगा अरविंद, फिर नहीं देगा। नहीं देगा? डॉक्टर आया था, कहता था ऑपरेशन में अब बच्चा नहीं होगा।
नहीं होगा। हो भगवान। शादी ना करके भी दुख मिला, शादी करके भी दुख मिला। क्या तकदीर है, अरविंद को मैं पति नहीं कह सकती और उसका बेटा उसे बाप नहीं कह सकता। नीलम कैसी है? डॉक्टर ने कहा है वो दोबारा मां नहीं बन सकती। I'm sorry. तुम्हारा बच्चा है उसे अपना कह नहीं सकता, नीलम के दोबारा बच्चा हो नहीं सकता। शायद किस्मत में संतान का सुख ही नहीं है, तकदीर को यही मंजूर था। आशा, आशा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं एक बार अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। दिखा दूंगी लेकिन एक शर्त पर, तुम उससे मिलोगे नहीं। मिलने में क्या हर्ज है? बाप का दिल काबू से बाहर हो सकता है और बेटे को बाप के प्यार की कल्पना तक नहीं। ठीक है, दूर से ही देख लूंगा। और अगर जिंदगी में जाने अनजाने अगर उसे बाप का प्यार दे सका तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। ठीक है, कल 11:30 बजे मसूरी हैम्पटन स्कूल में आ जाना। थैंक यू आशा। अरे वाह, ये तो हमारे दोस्त अजय बाबू हैं। दोस्त जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने बेटे से मिलने आए। आपका भी बेटा स्कूल में पढ़ता है? हाँ बेटा, इसी स्कूल में पढ़ता है। हम उससे मिलेंगे, हम उससे दोस्ती करेंगे। दोस्ती बाद में करना, चलो हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। नहीं, मेरी माँ ने कहा है किसी से कुछ नहीं लेने का। अरे हम कोई दूसरे थोड़ी है, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। चले चले आइए, कमान। लो बेटा। थैंक यू। मामा आओ, मैं मेरे दोस्त से मिला, उसने मेरे को आइसक्रीम भी दिया। दोस्त जी, ये हमारी माँ है। माँ, ये हमारे दोस्त जी है। बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, बहुत होशियार है ये। माँ, उस दोस्त जी ने ही प्राइज दिया था, तभी से हमारी दोस्ती हो गई। आपका मुन्ना कैसा है? बिल्कुल आप जैसा। फिर तो मेरे पिताजी आप जैसे होंगे, क्यों ना? बेटा, आपकी माँ ने आपको बताया नहीं आपके पिता कौन है? दोस्त जी, मेरी माँ बताती ही नहीं मेरे पिताजी कौन है। आप पूछिए ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जब देखो वही बात। चलो। जाग रही हूँ। नींद नहीं आ रही। नीलम, तुम्हें वो लड़का याद है स्कूल वाला? अजय?
तुम कहो तो उसे गोद ले ले। उसके माँ बाप दे देंगे उसे। उसकी माँ से पूछना पड़ेगा। बाप नहीं है। हाँ? अकेली रहती है, अस्पताल में नर्स है। वो दे देगी अपने बच्चे को। बच्चे की भलाई के लिए शायद दे दे, पूछना पड़ेगा। आशा, आज एक बाप अपने ही बेटे की भीख मांगने आया है। अजय को मेरी झोली में डाल दो। तो फिर माँ का क्या होगा? क्या वो जिंदा रह सकेगी? अजय के सिवा और मेरे पास है ही क्या? है तो मेरे पास भी कुछ नहीं, मगर मैं जज्बात में बह गया था। बेटे को तो माँ के पास ही रहना चाहिए। और फिर आगे तुमने इतने दुख उठाए मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। आशा, एक गिला है तुझसे। जब प्यार किया था तो निभाना चाहिए था। वही तो निभा रही हूं। स्त्री और पुरुष के साथ साथ रहने को विवाह नहीं कहते साधना। और इस तरह पैदा हुआ बच्चा मां के लिए भूषण नहीं, दूषण होता है, कलंक होता है। प्राचीन काल में मनुष्य पशुओं की तरह रहता था। उस पर कोई अंकुश नहीं था, किसी प्रकार का बंधन नहीं था। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य की इस पशुवृत्ति को रोकने के लिए समाज का संगठन किया। स्त्री और पुरुष को प्रेम और ममता के सूत्र में बांधने के लिए विवाह की प्रथा चलाई। समाज को परिवारों में बांटा, उसकी रक्षा के लिए नियम बनाए। साधना, तुमने विवाह के इस नियम को तोड़कर, जिस पर पूरे समाज का आधार है, घोर अपराध किया है। हमारी किस्मत। किस्मत किसने देखी है? कर्म देखा है। तुमने जो बुरा कर्म किया उसका फल तुम्हारे सामने है। अब मैं क्या करूं? वही जो एक मां को करना चाहिए। अजय अभी बच्चा है, बड़ा होने पर उसके नाम के साथ पिता के नाम की आवश्यकता होगी। विधान मां के नाम को मान्यता नहीं देता साधना, इसलिए अजय को पिता का नाम मिलना ही चाहिए। और यह सौभाग्य की बात है कि आज उसका पिता स्वयं उसे मांग रहा है। मगर मेरा क्या होगा स्वामी जी? जिस दिन मां ने अपना हित देखना शुरू कर दिया, उस दिन बच्चे पलने बंद हो जाएंगे। मां, हम कहां जा रहे हैं? हम नहीं बेटे, तुम जा रहे हो। कहां? अपने पिता के पास। पिताजी के पास? सच? हाँ। मां, पिताजी कैसे हैं? बहुत अच्छे बेटे, अब तुम खुद ही देख लेना। माँ, तुम रो रही हो? मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ रहने थोड़ी जा रहा हूँ। मैं पिताजी को मिल के आ जाऊंगा, मैं तो उन्हें भी साथ लाऊंगा। अब चले। देखो बेटे, वहाँ एक आंटी है, उन्हें भी माँ कहना। वाह, उन्हें क्यों मांगो? वो मेरी माँ थोड़ी है। सच्ची तो तुम ही मेरी माँ हो। मैं कहती हूँ ना, इसलिए। अच्छा, तुम कहती हो तो कह दूंगा। चलो चले। देखो, वो जो बंगला तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हारे पिताजी का है। अरे वाह, पिताजी का बंगला तो बहुत अच्छा। ये चिट्ठी है। हाँ? अपने पिताजी को देना। अच्छा। और देखो बेटे, किसी और को नहीं देना। नहीं। अच्छा, अब तुम जाओ।
भी नहीं पछता। अभी भी नहीं याद पछता। अब क्या करूं? उधर से भी जा सकता हूं। अजय की माँ ने उसे भेज ही दिया। अजय तुम आ गए बेटे। हाँ मेरी माँ ने मुझे भेज दिया। बहुत अच्छी है तुम्हारी माँ। आंटी मेरी माँ ने कहा आपको भी माँ को कहूँ? हाँ कहो, यही सुनने के लिए तुम्हें तरस रही हूँ। कहो माँ। एक बार फिर कहो माँ। अजय बहुत बड़ा है। ये सब आपका ही है बेटे। मेरा? लेकिन पिताजी कहाँ हैं? पिताजी बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा तो मैं खेलूं? हाँ जरूर। आग बंद करो। आग बंद कर ली। खोला मत। नहीं खोलते। एक दो तीन। आ रही हूँ मैं। आऊं? मैं कहाँ हूँ? अभी आती हूँ। कर लिया। माँ जब पिताजी आएंगे ना हम ऐसे ही कान छुप जाएंगे, बोलना मत। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे। फिर तो बड़ा मजा आएगा, हम तो खूब उनको बनाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन पहले अपनी शक्ल को तो देखिए। मेरे शक्ल को क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए, मैं बंदर लगता हूँ ना? बंदर तो आप है ही। आपका बाथरूम किधर है? बाथरूम अभी ले चलते हैं। टन टडैंग बाथरूम। ओ ये रहा बाथरूम। आप जाइए, हम खुद धो लेंगे। यस सर। ओके ओके। हाथ भी नहीं पोछता। ये देखो इधर भी नहीं हाथ पोछता। अरे ये क्या कर लिया? मैं भी भीग गया, मेरे कपड़े भी भीग गए। अरे बाप रे, बीमार हो जाएंगे आप इस तरह। लाओ मैं कपड़े बदल दूँ। नहीं मेरे को शर्म लगती है, हम खुद बदलेंगे। अच्छा खुद बदल लेना, लेकिन उतरो तो सही। अरे रे कहाँ चले? मैं कपड़े बदल रहा हूँ। कपड़े बदल लिए? एक मिनट। एक मिनट हो गया। लो रेडी हो गए। हो गए रेडी। अरे पोस्ट ऑफिस तो खुला ही रह गया। अच्छा हम आपको कुछ दिखाते हैं, चलोगे? अब आप यहाँ खड़े हो जाइए, अब देखिए होता है क्या। आंख बंद कर लो। बंद कर ली। देखना नहीं? नहीं।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमारे साथ चलिए। चलता हूँ। 1 2 3 अंदर। अब जब तक नहीं बोलूं तब तक नहीं खोलना आंखें, नहीं खोलना, नहीं खोलना। अब आंखें खोल दो। खोली। हाँ, इतने सारे खिलौने? हाँ, सब आपके लिए हैं। मेरे लिए? हाँ, पसंद आए? बहुत अच्छे हैं। मैं खेलूं? जरूर, आप खेलो, मैं खाना लेके आती हूँ। अच्छा? हाँ। मुझे स्वामी जी आपके आज्ञा अनुसार अजय को उसके पिता के पास भेज दिया है। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे आकर ले जाइए। ये तारा भी दिया जी। अच्छा, जज साहब, उस दिन आप अपने बच्चे को लेने आए थे, उस वक्त मेरा दिल 6 वर्ष के माया मोह को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपकी खुशी के लिए अपनी और आपकी प्रेम की निशानी को आपके पास भेज। जरा सी देर हो गई थी, एक दोस्त के यहाँ चला गया था। मुझे मालूम है किस दोस्त के यहाँ गए थे। कुछ रंग बदला सा नजर आ रहा, क्या बात है? आपके असली रंग जो नजर आ गए। नीलम, ये आशा कौन है? आशा, मैं समझा नहीं। बनने की कोशिश मत करो, लो पढ़ो और बताओ कौन है ये आशा। साधना को तो तुम जानती हो। मैं साधना को नहीं, आशा को पूछ रही हूँ। आशा ही साधना है और वही अजय की माँ है। और तुम उसके बाप? कितना गिर सकता है एक जज, इंसाफ की कुर्सी पे बैठने वाला जज, इंसाफ करने वाला जज, कितना गिर सकता है? गिर तो नहीं सकता, गिराया जा सकता। नीलम, कुछ कहने से पहले मेरी बात तो सुन लो। मैंने सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया। शादी मुझसे की और प्यार आशा से। नीलम, तुम मेरी पुरानी जिंदगी को नई जिंदगी से जोड़ रही हो। यह सच है कि मैंने प्यार आशा से किया, और यह भी सच है कि वो बच्चा मेरे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी नहीं, पाप की निशानी है। वो बच्चा तुम्हारा और आशा का पाप है। नीलम, वो बच्चा शादी से नहीं, पाप से है। नीलम, वो बच्चा बीवी से नहीं, रखेल से है। ये लो अपना बच्चा। क्या किया इसने? इसने कुछ नहीं किया, किया तो तुमने है, मगर मैं इस मासूम को इसकी सजा नहीं देना चाहती। लेकिन बात क्या है,
बात यह है आशा देवी, कि यह बच्चा तुम्हारे और अरविंद के पाप का नतीजा है। अगर ये मेरे पास रहेगा तो मुझे इसकी सूरत में तुम्हारी सूरत नजर आएगी, अरविंद के पाप की सूरत नजर आएगी और मैं इससे नफरत करूंगी। तुम गलत समझ रही हो। मैं ठीक समझ रही हूं। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप भी आ गए? अपनी पत्नी को लेने आया हूं। चाहिए, सामान बांधे तैयार बैठी आपकी पत्नी। मेरी पत्नी तो तुम हो। समाज ने पत्नी बनने का हक सिर्फ तुम्हें दिया है और आपने वह हक पहले ही दे दिया किसी और को। जाइए, रहिए उसके पास। नीलम, 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 मेरी बात तो मुझे सुनो। कुछ नहीं सुनना। नीलम, मेरे भी सुनोगी कि नहीं? बहुत सुन चुकी, बहुत धोखा दे चुकी है मुझे। मेरे पापा को बेवकूफ बना के मुझसे शादी की, हर कसम का फायदा उठा, मगर अब मेरी आंखों में और धूल नहीं झोंक सकते। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। किस मुंह से कहोगे और क्या कहोगे? मेरा बच्चा मर गया तो उसके बच्चे को घर ले आए, मैं मर जाती तो उसे घर ले आती। अगर उसका बस चलता तो आपकी प्यारी नर्स अस्पताल में ही मेरी जान ले लेती। होश में आने के बाद बात करो। 6 साल से बेहोश थी, आज होश में आई हूँ। अगर तुम जज हो तो मैं भी बैरिस्टर की बेटी हूँ, तलाक ले सकती हूँ, मगर देखे जहर नहीं निकल सकती। नीलम, नीलम, तुमने बहुत जल्दी कर दी। नीलम, तुमने मुझे मौका भी नहीं दिया कि पूरी बात कर सकूं। सुनो नीलम, सुनो मेरी कहानी। नीलम, ये थी आशा और मेरी कहानी। मुझे माफ कर दो अरविंद, मैंने तुम्हें गलत समझा और अब बहुत देर हो गई है। बस एक ही खुशी है, जिस प्यार में जिंदा रही उसी प्यार में अरे इन्हें यहाँ क्यों ले आए? ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। सर, मरीज की ख्वाहिश है कि इसे मूर्ति के पास ले जाया जाए। डॉक्टर साहब, इन्हें बचा लीजिए। कोशिश तो हम जरूर करेंगे साधना, लेकिन चोटें इतनी लग चुकी हैं, खून इतना जा चुका है कि बचने की उम्मीद नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज। आशा, 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 शादी के दिन मर जाऊंगा, इसलिए तुमने मुझसे शादी नहीं की। तो मरने ही वाला हूं, शादी करने से हर्ज क्या है? रो मत आशा, बात तो एक ही है, शादी के बाद मौत या मौत की गोद में शादी। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आप सबके सामने और भगवान को साक्षी मानते हुए आशा को अपनी धर्मपत्नी मानता हूं। अब तुम सुहागन हो और
और अजय, अजय मेरा बेटा है। पानी 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 नहीं, नहीं जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेकर आओ। यस सर, चलो। स्वामी जी, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। जीवन लेना और देना तो ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जीवन को मृत्यु ने घेरा हो, जब चारों तरफ अंधेरा हो, जीवन को मृत्यु ने घेरा हो, तब मन में रख विश्वास, श्वास में आस नहीं एक भर, प्रार्थना कर प्रार्थना कर जगत के जीवन दाता से, प्रार्थना कर प्रार्थना। ऑपरेशन तो हो गया साधना, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, इंटेंसिव केयर में है। Thank you.
So, feeling fine? Hmm? स्वामी जी, ये तो मेरा अकेले हो गया। ये मेरा अकेले नहीं है डॉक्टर, ये प्रार्थना की जीत है। प्रार्थना इंसान का सबसे उत्तम कर्म है, जिसके सामने ईश्वर के फैसले भी बदल जाते हैं। डॉक्टर, ज्योतिष के अनुसार आशा के साथ विवाह करने में अरविंद की मृत्यु का योग था, किंतु वही विवाह अरविंद के लिए जीवन दान बन गया। इसका कारण अरविंद के लिए आशा का अपूर्व त्याग, इसका अहम प्रेम और भक्ति। प्रेम और भक्ति में ही ईश्वर की शक्ति होती है, और वही शक्ति चमत्कार के रूप में प्रकट होती है। डॉक्टर, ईश्वर की शक्ति को नमस्कार। तेरा